हेलो एवरीवन, सिकुस गाइड ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसी थ्योरम की जो क्लास टेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरम है 10.1। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कहने का मतलब क्या है? अगर एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर दे रखा है ओ, इस सर्कल के ऊपर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट हम मान लीजिए ये एल लाइन, एक एल लाइन है जो टेंजेंट है इस पी पॉइंट पर, ठीक है। तो जो इस सर्कल का रेडियस होगा वो रेडियस इस टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप हम लिखते हैं गिवन क्या है, क्योंकि थ्योरम को करने का एक मेथड होता है। सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। गिवन है सर्कल दिया गया है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर दे रखा है ओ। ओपी इज रेडियस, ओपी सर्कल का रेडियस है एंड L इज टेंजेंट, L है टेंजेंट विच पास थ्रो P, जो कि P पॉइंट से पास होती है। तो यह है हमारा गिवन। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, प्रूव हमें यह करना कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा लाइन L के। यह हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि पॉइंट ओ को बढ़ाते हैं आर तक, ओ पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं जो कि सर्कल से होती हुई लाइन पे, लाइन एल पे जाके गिरती है और लाइन एल को एम पॉइंट पे मीट करती है। तो क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक्सटेंड की है, एक्सटेंड लाइन ओ आर टू पॉइंट एम, पॉइंट एम तक लाइन को एक्सटेंड कर दिया है इस ओ आर लाइन को। ओ आर क्या, सर्कल का रेडियस ही है, क्योंकि सर्कल का रेडियस चारों तरफ सेम रहता है। ये ओ पी और ओ आर दोनों सर्कल के रेडियस है। इस लाइन को मैंने ओ आर से होते हुए एम तक बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं प्रूफ, प्रूफ की। प्रूफ में देखिए, मेरे को पता है कि ओ आर और जो ओ पी है वो रेडियस है सर्कल के, इसलिए दोनों बराबर होंगे, क्योंकि रेडियस तो सर्कल का सेम ही रहेगा। तो ओ आर और ओ पी बराबर है, ठीक है। अब देखिए, मेरे को पता है कि ओ एम क्या है। ओ एम इस लाइन, इस फिगर से अगर मैं देखता हूं तो ओ एम क्या होगा, ये ओ एम, ये कंप्लीट ये लाइन ओ एम होगी। ओ एम को मैं लिख सकता हूं ओ एम इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर एम, क्योंकि देखिए ये जो ओ एम है पूरी लाइन, ये इस ओ आर में जब मैं आर एम को जोड़ दूंगा तो बन जाएगी, ठीक है। अब मेरे को पता लग गया कि ओ एम ओ आर और आर एम का जोड़ है, तो सीधी सी बात है ओ एम जो होगी ओ आर से बड़ी होगी, क्योंकि ओ एम कब आ रही है, जब ओ आर में आर एम को जोड़ रहा हूं। तो सीधी सी बात है कि ये जो चीज है ये ओ आर से तो बड़ी ही होगी। जब ये ओ आर से बड़ी है तो ओ एम ऑटोमेटिक, जो सर्कल का रेडियस हमने माना था ओपी, ओपी से ही बड़ी होगी, क्योंकि ओ आर और ओपी दोनों बराबर है, हमने ऊपर मेंशन किया है, ठीक है। अब इससे बड़ी है ये, इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन हमने प्रूव कर दी, ये वाली लाइन इससे बड़ी है। अब ये वाली लाइन इससे बड़ी है, अब हम यहां कोई भी पॉइंट ले ले, कोई भी, चाहे यहां पर पॉइंट ले, जो भी पॉइंट लाइन से बाहर होगा, सर्कल से बाहर होगा, वो हमेशा, वो जो लाइन होगी वो इस ओपी से हमेशा बड़ी रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं देयर फोर ओपी विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो टू लाइन एल, एल लाइन तक का सबसे छोटा डिस्टेंस है ओपी। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देयर फोर हम बोलते हैं कि ओपी जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा एल के। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। इसका मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। ये एक बार दोबारा से बता देता हूं किस तरीके से प्रूव करना। देखिए, ओ आर और ओपी सर्कल के रेडियस है तो दोनों बराबर हो गए। जो ओ एम लाइन है, ये वाली जो हमने लाइन ली थी ओ एम, ये जो ओ एम लाइन ली थी, ये ओ आर और आर एम का जोड़ है, इसलिए जो ओ एम पूरी लाइन है ये ओ आर से बड़ी होगी। तो ओ एम ओ आर से बड़ी होगी। अब ओ एम ओ आर से बड़ी है तो ओ एम ओपी से ही बड़ी होगी, क्योंकि ओ आर और ओपी दोनों बराबर थे। अब इससे बड़ी होगी तो कहने का मतलब ये है कि सर्कल से बाहर कोई भी ऐसी लाइन जाएगी टेडी, वो हमेशा इस वाली लाइन से ओपी से हमेशा बड़ी होगी। तो ओपी से बड़ी होगी तो हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि ओपी
सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लाइन एल तक का, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर।